रामाचंद भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। अरे कहाँ खो गए देव बाबू, आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना देख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर ना लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर ना लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि जैसे चंद्रमुखी है जैसे चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। जैसे चमत्कार जैसे चंद्रमुखी, देखा बना गई ना वो जैसे, क्या कहते हैं जैसे जैसे। अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू, मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी, मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पसे पारो, अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पसे पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है, और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रसा रोकने को कहा, वो तो रसा रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवायफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुनी बाबू? बेशक होता है, जहाँ दस दिल होता है वहां दस दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पासे पराया कर दिया। अरे बंधु, पासे प्यार होता है, पासे पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवायफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू, हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की,
बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज दो दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम दो रात यहां पर थी, तुम्हारे कोठे पर शमा नहीं चली होगी। ये उन दो रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवायफ इश्क की बात कर रही है, अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत, और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, ना आत्मा, ना इबादत, ना मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवायफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। दो रातें, हमारी दो रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी, इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी दस से दोस्ती करने और आप दस से दुश्मनी कर बैठे। अब दस से दो रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसिया बड़ा बेईमान। साज ने सुर तो छेड़ दिया आपा, अब सर से चुनर सरक जाए तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं, साथ में सोने की एक नथ भी है, वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी। नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है करीब जाने पर वो चला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में, वरना इस बाजार में हुस्नो जाना और भी हैं। लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है उसे ना तो आप में दिलचस्पी है ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस क्षमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्रमुखी। वो आएंगे काली बाबू, और आप देखोगे ये हमारे दिल का दावा है। क्यों ना दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस क्षमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है, और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे। मंजूर है। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है,
क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारों को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर। मार डाला, मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। देव बाबू गिर गए। देव बाबू मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नहीं देख सकता औरत का ये रूप। क्या आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ जब भी पारों की याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदल। मैं मिलन 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय हाय ऑब्जेक्ट, हर रोज यही फैसला सुनाया जाता है। सन ऑफ नारायण मुखर्जी, हाय 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 ऑब्जेक्ट, हाय हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। देवदास मुखर्जी, हाय हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी एंड यू ड्रिंक टिल डेथ। यस मी लॉर्ड, no objection, my lord. No. 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 क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात ही तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में, क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों चंद्रमुखी? देखा चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी
आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क कर दिया मुझसे, यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी, सांसें लेती हो चंद्रमुखी। क्या पाओगी, ना मेरे पास घर है ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारों के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी, और भरो की तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखाओ। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है, इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बेकुआ कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए निगौड़ी, चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी, कैसी लगी तुम्हें हमारी पार? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी कभी तितली तो कभी चांद, और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू कभी शमा, सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्र ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहां पर यह अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहां से जाने की इजाजत दे। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो पर मैं भुगत रहा हूं। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता।